मानव एक कुटीर उद्योग के रूप में लंबे समय से चल रहे अभिशस्त्र फैक्ट्रियों पर पुलिस की छापामार कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में एक बार फिर पुलिस और स्वैट टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडा फोड़ कर मौके से 5 तमंचे बरामद करने के साथ एक असला तस्कर को मौके से गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी से अभी शस्त्र के कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अभी शस्त्र फैक्ट्री का भांडा फोड़ करते हुए पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद किए। बताया जा रहा है कि थाना मिरची पुलिस को मिली एक सूचना के बाद पुलिस और स्वाट टीम ने नगला बनुआ में लंबे समय से चल रही अभी शस्त्र फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई मौके से 5 बने अधबने तमंचों के साथ ही भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद किए। इस दौरान पुलिस ने मौके से एक असला तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किया गया असला तस्कर राम महेश साथी अपराधी है और ये आरोपी लंबे समय से ही लोग अंतरजनपदीय गैंग बनाकर अवैध शस्त्र के कारोबार से जुड़े हुए थे और अवैध शस्त्रों को यूपी के अन्य राज्यों में भी सप्लाई करते थे। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार किए गए असला तस्कर से पूछताछ कर अभी शस्त्र के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। एटा से आरवी द्विवेदी की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। और इसके अलावा 3 तमंचे, इसके अलावा 2 अधूने तमंचे सारे मिले हैं। शस्त्र की कोई फैक्ट्री मिली उसमें मिर्ची एसओ ने अच्छा कार्य किया है, इनको भी मिलकर से रिमांड। कहाँ कफान है जिनकी मंसादी? ये जनरली आसपास के जनपद राजस्थान मध्य प्रदेश जो भी सभी में, जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग लगातार अवैध शस्त्र की फैक्ट्रियों के ऊपर में कार्य कर रहे हैं। हमारी नंबर वन प्रायोरिटी इस जनपद में यही है, अवैध शस्त्र। कितने अवैध हथियार बरामद हुए? इसमें टोटल 5 अवैध हथियार बरामद हुए, इसके अलावा जो अवैध शस्त्र फैक्ट्री है उसको बरामद। कितने लोग गिरफ्तार हुए सर इसमें? इसमें गिरफ्तारी जो है वो एक आदमी की है, रामपुत्र सूबेदार सिंह, ये रहने वाले थाना मरीची के हैं, गाँव बनुआ।